नेक्स्ट वन लेट्स कम फॉर द सी. 15 + 1 16 है, 5 + 4 9, 9 छोटा है 16 के मुकाबले, तो यहां पे हम 9 लिखेंगे. और कहां पे मिनिमम हमने चूज किया, बी पे या डी पे, डी पे, तो वो हमने लिख दिया. इफ यू रिमेंबर जो पहले वाली वैल्यूज थी जो हमारी आ रही थी, जो ऑप्शन वैल्यूज आ रही थी, वो भी कुछ ऐसी ही थी, 15 था, 9 था, 16 था, 9 था, इट वॉज समथिंग लाइक दैट. ओके, और उसी में से फिर मिनिमम चूज करके मैं यहां पे लिख रहा था विद द सेम नेक्स्ट हॉप एंड विद द सेम डिस्टेंस वेक्टर वैल्यूज. ओके, लेट्स कम फॉर द लास्ट वन. कि अब यहां पे 15 और 8 अगर मैं कंसिडर करता हूं, 15 और 8 दैट इज 23, और 5 एंड 0 दैट इज इक्वल टू 5, तो मिनिमम कौन सा है, फिर से यही मिनिमम है. सो यहां 5 लेता हूं, नेक्स्ट हॉप में डी देता हूं. ठीक है, लेट्स कंसिडर फॉर द नेक्स्ट वन एट बी. चलो ये भी कैलकुलेट करके दिखाते हैं अपन. ओके, यहां पे जो बी है, लेट्स कंसिडर नॉट बी, लेट्स कंसिडर सी. ठीक है, सी को अगर आप देखोगे बी की तरफ से और डी की तरफ से, बी की तरफ से और डी की तरफ से जो है आपका डिस्टेंस वेक्टर प्राप्त होने वाला है, तो वो डिस्टेंस वेक्टर कुछ यहां पे होंगे आपके इस तरीके से. ओके, बी की तरफ से और डी की तरफ से डिस्टेंस वेक्टर मिलने वाला है. क्या है डिस्टेंस वेक्टर, बी और डी का ऊपर का ही है. 15 है, 0 है, 1 है, 8 है, 5 है, 8 है, 4 है, 0 है, लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके से. दिस इज फॉर ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली. अब यहां पे हमें नया टेबल जनरेट करना है सी का. ओके, तो उसके लिए डेस्टिनेशन ए है, बी है, सी है और डी है. अब सी से सी तक जाने के लिए डिस्टेंस 0 है और नेक्स्ट स्टॉप तो सी होगा. ठीक है, तो हमने अभी ये वाला जो पोर्शन है इसको एलिमिनेट कर देना, इसे नहीं कंसिडर करना, और सी से बी तक का. ओके, सी से जो आपका बी है उसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज सी बी कितना है आपका, एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो 1 है. ठीक है, सी डी अगर आप सी डी देखोगे तो वो कितना है, वो तो आपको इमीडिएट नेबर है तो वो तो इजीली पता चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, 4 है. ठीक है, नाउ रिपीट द स्टेप. क्या 1 + 15 16 है, 4 + 5 9 है, तो 16 9 मिनिमम 9 है, तो यहां पे मैं 9 लिखूंगा और यहां पे आपका नेक्स्ट स्टॉप डी होगा, सिंपल. उसके बाद यहां पे 1 एंड 0 है, 4 एंड 8 12 है, तो यहां पे 1 मिनिमम है, तो यहां पे आपका 1 आ जाएगा और यहां पे बी आ जाएगा नेक्स्ट स्टॉप, क्योंकि यहां पे आपने मिनिमम चूज किया बी में, डी में नहीं. ठीक है, अब 1 + 8 कितना है, 9 है, और ये 4 + 0 कितना है, 4 है, तो यहां पे आ जाएगा 4 और नेक्स्ट स्टॉप क्या आ जाएगा, डी. कुछ इस तरीके से ही आपने सी के लिए भी सेकंड राउंड में अपना जो राउटिंग टेबल है वो इजीली जनरेट कर दिया, बराबर है. उसी तरीके से डी के लिए भी, बी के लिए भी आप कंसिडर करोगे. सिर्फ बी में क्या होगा, 3 डिस्टेंस वेक्टर मिलेंगे, ए का भी मिलेगा, डी का भी मिलेगा, सी का भी मिलेगा. उसी तरीके से डी के लिए भी 3 डिस्टेंस वेक्टर मिलेंगे, सी का, बी का और ए का. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. और इस सिंपल से ट्रिक के साथ आप जो है जनरेट कर सकते हो अपना राउटिंग टेबल. अब ये मुद्दे की बात आती है कि आखिर इसे कितनी बार करना पड़ेगा, ऐसे कितनी बार आपको जो अपना राउटिंग टेबल है वो जनरेट करना पड़ेगा बिफोर वी अराइव एट अ फाइनल आंसर. तो वो आपको करना पड़ेगा n-1 times. मतलब क्या, टू गेट द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल, आपके पास जितने राउटर है, लेट्स कंसिडर देयर आर एन राउटर्स, सो कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ जो आप कंसिडर करोगे उसके अंदर आपको मैक्सिमम n-1 एजेस देखने को मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं. इसीलिए यू हैव टू कैरी आउट टिल n-1 राउंड. ओके, तो जैसे कि यहां पर कितने हैं, n = 4 है, तो ये कितनी बार करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम हमने किया यहां पर, फर्स्ट टाइम दैट इज द फर्स्ट राउंड किया. फर्स्ट राउंड में हमने 1 एज डिस्टेंस कंसिडर किया फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ. सेकेंड राउंड में हमने यहां पे क्या किया, 2 एज डिस्टेंस. ओके, 2 एज डिस्टेंस कंसिडर किया फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ. और फिर यहां पे सेकेंड के बाद थर्ड, यानी n-1 4-1, यानी कि थर्ड राउंड तक जाना पड़ेगा. और थर्ड राउंड में हम लोग 3 एजेस कंसिडर करेंगे फॉर द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ. एक सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल देता हूं किस तरीके से हम जो अपने राउंड्स में है वो बढ़ रहे हैं और हमें जो अपनी शॉर्टेस्ट पाथ है वो प्राप्त हो रही है. जैसे कि जो मेरा पहला राउंड था राउंड 1, उसमें मुझे ए से बी तक जाने के लिए डिस्टेंस लग रहा था 15 का, जहां पे मैंने सिर्फ 1 एज डिस्टेंस यूज किया था. बात सही है, बात बराबर है. ठीक है, राउंड 2 में क्या किया, मैंने 2 एजेस कंसिडर करना शुरू कर दिया. ओके, फॉर गेटिंग द बेस्ट और बेटर शॉर्टर पाथ. ओके, फ्रॉम ए टू बी. अब ए टू बी तक मुझे जाना था, तो राउंड 2 के लिए अगर आप देखोगे, राउंड 2 के लिए मुझे कितना डिस्टेंस मिला था, 13 मिला था. मैं ए से गया था डी पे और डी से गया था मैं बी पे और मुझे मिला था 13, बिकॉज यहां पे मोस्टली 2 ही एजेस मैं अलाउ कर पा रहा था फॉर द सेकेंड राउंड. फिर मैं क्या गया, मुझे अभी भी अपना शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिला है, बराबर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल गो टू द लास्ट राउंड, यानी कि
थर्ड राउंड, बिकॉज एन मेरा फोर है तो एन माइनस वन यानी कि मैं थ्री थर्ड राउंड तक जाऊंगा और ये मेरा लास्ट राउंड है, इसमें मुझे अपना शॉर्टेस्ट पाथ मिल ही जाएगा। तो कैसे होगा वो, मैं जाऊंगा सबसे पहले ए से डी पे, फिर जाऊंगा डी से सी पे, फिर जाऊंगा सी से बी पे और फिर जो मुझे शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा वो होगा 5 + 4 दैट इज 9 एंड 9 + 1 इज इक्वल टू 10। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन यू द राउंड्स, ओके, कि किस तरीके से एक एक राउंड में हम लोग एक एक एज जो है वो कंसिडर करते जा रहे हैं, इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं बाय वन। पहले एक एज था हमारे पास तो थोड़ा लिमिटेशन था जिस वजह से हमें शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग राउंड बढ़ाते जा रहे हैं हम अपने शॉर्टेस्ट पाथ के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। एक से फिर दो एज, फिर दो से फिर यहाँ पे एक दो और तीन एज हमने कंसिडर किए जिसके थ्रू हमें शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो प्राप्त हुआ। सो वी हैव गॉन टिल द एक्सट्रीम राउंड एन माइनस राउंड, तो एन माइनस राउंड तक आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में भाई साहब अगर पांच यहाँ पे राउटर्स दे दिए गए हैं तो यू विल गो टिल 4 राउंड्स, आपको 4 राउंड। तो ये जो आपको अभी भैया बोर्ड पे देखने को मिल रहे हैं दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट वी कंसिडर्ड इनिशियली। ये है आपका फाइनल स्टेट ऑफ द राउटिंग टेबल ऑफ ईच ऑफ द राउटर एट द एंड ऑफ राउंड 3। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो तो आपके पास हो गई, वो मैंने आपके साथ ही यहाँ पे सॉल्व किया था। राउंड 2 में क्या हुआ था कि राउंड 1 के एंड में जो आपके राउटर थे उनके नेबर्स ने क्या किया था, एक तरीके से अपना जो डिस्टेंस वेक्टर है वो शेयर किया था एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली, यानी ए ने अपना डिस्टेंस वेक्टर उसके नेबर्स के साथ शेयर किया और जो बी और डी जो कि ए के नेबर है उन्होंने अपना डिस्टेंस वेक्टर जो है वो ए के साथ शेयर किया। कुछ इस तरीके से अभी हमें उनका डिस्टेंस वेक्टर मिला एट ए फ्रॉम बी एंड डी, बराबर। फिर उसके बाद हमने वो शॉर्टकट या लॉन्ग कट जो आपको पसंद है वो यूज करो, शॉर्टकट या लॉन्ग कट यूज करके हमने क्या किया अपने राउटिंग टेबल को अपडेट किया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ए और बी आई थिंक ये दो राउटर मैंने कंसिडर किए थे, आप जो बी और एक तरीके से बी और डी जो है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। कुछ भी यूज करो, शॉर्टकट मैथड लॉन्ग कट मैथड जो आपको पसंद आया वो आप मैथड यूज करो, आंसर आपको सेम ही मिलना है, ओके। आफ्टर ऑल दोज राउटर्स आर गेटिंग अपडेटेड, उनका जो राउटिंग टेबल है वो अपडेट हो गया, वहां राउंड 2 खत्म हो जाता है और जो राउंड 2 में किया वही तो राउंड 3 में भी करना है भाई, अपने को वही करना है, सेम चीज अपने को करनी है। राउंड 2 खत्म होते ही वापस से क्या होगा, आपके जो भी डिस्टेंस वेक्टर है उनका आदान प्रदान एक्सचेंज होगा, शेयरिंग विद द नेबर होगा, बराबर है। फिर से अपने को वापस से ऐसे जो डिस्टेंस वेक्टर है वो मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए पे एट ए यू विल गेट द और यू विल रिसीव एट राउंड 3 द डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम बी एंड डी। वापस से चाहे शॉर्टकट लगाओ लॉन्ग कट लगाओ जो पसंद है वो लगाओ और अपने उस रिस्पेक्टिव राउटिंग टेबल को अपडेट करो फॉर दैट रिस्पेक्टिव राउटर। एंड फिर जब आपका सारे राउटर खत्म हो जाएंगे, राउटिंग टेबल का अपडेशन आपका खत्म हो जाएगा, तब आपका राउंड 3 खत्म हो जाएगा एंड योर टास्क एंड्स देयर एंड दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर दैट यू विल बी सीइंग। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। थोड़ा सा टाइम लग गया यार, ज्यादा टाइम लग गया समझाने के लिए इस डीवीआर एल्गोरिदम को, लेकिन मैं चाहता था कि मैं हर एक पॉइंट को हर एक डिटेल को आपके साथ शेयर करूं रिलेटेड दिस एल्गोरिदम, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया इस बार। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो लो लाइक कर दीजिए और उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।